देश को आज रैपिड रेल का तोहफा मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले गाजियाबाद में इसका उद्घाटन किया है। साहिबाबाद में आम यात्री कल से इस ट्रेन से सफर का आनंद ले सकेंगे। पहले चरण में आपको अपडेट कर दें कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे खंड को शुरू किया गया है और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है, जिसमें से 14 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है जबकि 68 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। और उद्घाटन के बाद ये रैली है, देखिए जरा उसी की तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है, रोड शो देखिए और जबरदस्त उत्साह लोगों में पीएम की एक झलक देखने के लिए। और सबके हाथ में देखिए आप जरा, ये जो सबके हाथों को देख रहे हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, सब चाहते हैं कि इस लम्हे को कैद कर लें अपने मोबाइल में। ये देखिए ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये सबके हाथ उठे हुए हैं और हाईटेक जमाना है, मोबाइल का जमाना है। अब देखिए जरा, सभी इस पल को कैद कर लेना चाहते हैं अपने मोबाइल में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद इसके बाद उनसे उतने करीब नहीं होंगे। ये जनता को कैसे कनेक्ट करना है, ये पीएम की खासियत है, सीधे उनके बीच उतर जाते हैं। ये कॉरिडोर बनाया गया है, रोड शो है, भव्य ये आयोजन और जनसैलाब। ये 5 तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं, कोच के अंदर की तस्वीरें हैं, हाईटेक ये सुविधा है। साहिबाबाद स्टेशन की तस्वीर जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले रेल सेवा को रफ्तार दी हरी झंडी दिखाकर। मेट्रो जैसा है प्रवेश और निकास यानी एग्जिट भी, लेकिन ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, पीएम के लिए जयकारे हो रहे हैं और एक ही जो रथनुमा, ये जो कार सजाई गई है, एक ही गाड़ी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं, हाथ हिलाकर सबका अभिवादन, हमेशा की तरह चेहरे पर तेज लिए हुए, मुस्कान लिए हुए पीएम गदगद नजर आ रहे हैं। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों को, दिल्ली एनसीआर के लोगों को, देश के लिए भी एक सौगात, क्योंकि जो कनेक्टिविटी है उसमें यह विस्तार है, उसको रफ्तार दी है और इससे बहुत सुविधा होगा निश्चित तौर पर। जो दिल्ली एनसीआर से मेरठ जाते हैं या फिर मेरठ से दिल्ली एनसीआर आते हैं, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश या दिल्ली, उनके लिए बहुत सहूलियत होने जा रही है। जो न्यूनतम किराया है मिनिमम, उसको 20 रुपए रखा गया है और जो अधिकतम किराया है फिलहाल 100 रुपए रखा गया है। और अगर आप देखें तो ट्रैफिक व्यवस्था, दिल्ली एनसीआर के लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। अगर आपको मेरठ जाना है तो बहुत वक्त लग जाता है, लेकिन आप रैपिड सेवा का इस्तेमाल करते हैं तो मिनट्स में पहुंच जाएंगे आप। इसकी स्पीड भी अगर गौर करें तो 160 किलोमीटर की रफ्तार होगी प्रति घंटे, अपने आप में खास बात, और इसको बढ़ाकर 180 तक लेकर जाया जा सकता है। 2 तस्वीरें रैपिड रेल की सौगात है, पीएम ने हरी झंडी दिखाई और इस रैपिड रेल ने रफ्तार पकड़ ली। और उद्घाटन के बाद पीएम मोदी की रैली चल रही है और वहां पर बहुत भीड़ है। इसी बीच खास बात यह भी कि जो रेल के स्टाफ हैं, जिनमें अधिकतर महिलाएं शामिल हैं, उनसे मुखातिब हुए पीएम और बातचीत की, और ये जो छात्र हैं छात्राएं उनकी भी मौजूदगी है, तो सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, सुन रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, नन्हे मुन्नों के बीच भी हैं। और दूसरी तरफ उद्घाटन के बाद रोड शो जारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, दोनों ही तरफ अगर आप देखें, बाएं और दाएं दोनों तरफ, दोनों हिस्सों में लोग ही लोग आपको नजर आएंगे। सिक्योरिटी की अगर बात कर ले, सुरक्षा व्यवस्था वो चाक चौबंद है। तो पीएम मोदी की रैली है गाजियाबाद में और ये तस्वीर, भारत का परचम लहराया है, भारत का ध्वज ऊंचा किया है, भारत के गौरव को बढ़ाया है, भारत की संस्कृति के साथ साथ यहाँ के मानव जीवन, यहाँ के मानव कल्याण के तमाम प्रतिरूपों को दुनिया में स्थापित किया और उसके साथ साथ दुनिया के तमाम देशों में भी उन्होंने मानव कल्याण और मानव के हित के लिए जो प्रयास किए हैं, आज पूरी दुनिया उसके सामने नतमस्तक है। तो एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हम सबके बीच यहाँ मंच पर उनका आगमन होने वाला है, यह अवसर इसी ऊर्जा को बनाए रखने का है। इस ऊर्जा के साथ ही आज के योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। रोड शो इस वक्त चल रहा है, प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है और जितने लोग भी हैं जिनके हाथों में मोबाइल है, वो चाहते हैं कि ये लम्हा, चूंकि पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री दोनों की मौजूदगी एक साथ, वो तस्वीर कैद कर लें किसी तरह से। ये देखिए जरा, दिखा रहे हैं आपको, उत्साह है लोगों में। थोड़ी देर में रैली को संबोधित करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप आज तक पर ये तस्वीरें देख रहे हैं, आपको हम पीएम जब संबोधन करेंगे वो भी दिखाएंगे, सुनवाएंगे, इसलिए आप आज तक के साथ चिपके रहें, टीवी देखते रहें, न्यूज
हर अपडेट आज तक के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। थोड़ी देर के बाद रैली को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अपडेट आपको कर दें, रैपिड रेल सेवा की शुरुआत हो गई है। दिल्ली एनसीआर से मेरठ की कनेक्टिविटी होगी और पहले फेज में 5 स्टेशन होंगे। कुल किराया जो है न्यूनतम अभी 20 रुपए रखा गया है, अधिकतम 100 रुपए। और जो रेल सेवा की स्पीड है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे, जिसको बढ़ाकर 180 किलोमीटर तक किया जा सकता है। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, जो मेरठ जाते हैं आते हैं, उनको बखूबी पता है कि घंटों लग जाते हैं मेरठ तक पहुंचने में। हर जगह ट्रैफिक जाम या फिर स्पीड कम हो जाती है। और अगर सुबह और शाम पीक आवर्स में अगर बात कर लें तो उसको तो फिर और आप समझ लीजिए कि जाम से जूझना पड़ता है। ऐसे में ये जो सेवा है रैपिड रेल सेवा, वो बहुत ज्यादा सहूलियत देने वाली है। ये 5 रेलवे स्टेशन हैं जहां नमो भारत, जिसकी शुरुआत हुई फेज 1 में रैपिड रेल सेवा, वो रुकने जा रही है। कहां कहां स्टॉपेज है, साहिबाबाद ये वो स्टेशन है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर के पहले हरी झंडी दिखाकर रैपिड रेल सेवा की शुरुआत की। उसके बाद गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो, ये 5 स्टेशन, तो यहां के यात्रियों के लिए बहुत सहूलियत हो रही है। ये पहला फेज है, इसके बाद से अभी कई फेज हैं जिसमें मेरठ तक पूरी ये जो जर्नी है, वो रास्ता है, वो कवर किया जाना है, वो उसकी तैयारी पूरी हो रही है। तो रैपिड रेल में पीएम का सफर भी उद्घाटन करने के बाद, इसी के जरिए वो वहां पर पहुंचे भी। अब से थोड़ी देर के बाद जहां रैली है संबोधित करेंगे, रोड शो फिलहाल आप देख पा रहे हैं, गाजियाबाद में पीएम मोदी की रैली है। और इसके लिए जो पार्टी के वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता और आम लोग, गजब का उत्साह है। इनमें महिलाओं की भी भागीदारी देखने को मिल रहा है, युवा हैं इसमें। और ये देखिए, ताली बजाया जा रहा है, नमो नमो के लिए नारे लग रहे हैं। और ये जो जोड़ी है यूपी में, चूंकि पीएम हैं, तो योगी और मोदी दोनों की मौजूदगी लोगों के बीच। समय के साथ साथ कंफर्ट का भी ध्यान रखा गया है। अगर बात करें कि कंफर्ट का किस तरीके से ध्यान रखा गया है, तो कई सारी चीजें हैं जो इस रैपिड एक्स ट्रेन की का जो प्रीमियम कोच है उसके अंदर दी गई है। सबसे पहली चीज, अगर आप चाहते हैं कि आप एक रिक्लाइनर कुर्सी पर बैठे, तो यहाँ जो कुर्सियां हैं उसके अंदर एक बटन है, आप बटन दबाएंगे और ये जो कुर्सी है ये अपने आप पीछे चली जाएगी, यानी कि ये जो रिक्लाइनर है ये कुर्सी आपकी रिक्लाइनर कुर्सी बन जाएगी। सिर्फ वही नहीं, इन्होंने एक अलग से फुटरेस्ट भी दिया है। अगर आप फुटरेस्ट का इस्तेमाल करना चाहें तो आप फुटरेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे पानी रखने के लिए या कोई भी कप रखने के लिए इन्होंने होल्डर का भी यहाँ पे प्रबंध किया है। अगर आपको अपना कोट टांगना है तो कोट टांगने के लिए यहाँ पे हुक्स का भी प्रबंध किया गया है। और अगर आप बहुत भीषण गर्मी के अंदर इस ट्रेन के अंदर सफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो इन्होंने ये जो ब्लाइंडर्स होते हैं ये भी यहाँ पर दिए हैं, यानी कि ये ब्लाइंडर्स लगाते ही धूप से आपकी सुरक्षा हो जाएगी। लोगों के लिए 21 अक्टूबर से ये खुल जाएगी। खास ध्यान रखा गया है कि जितने भी स्टेशन है, 17 किलोमीटर का ये जो स्ट्रेच है, जो पहला स्ट्रेच है, अगर वैसे बात करें तो ये पूरी रैपिड एक्स जो ट्रेन है इसका जो पूरा स्ट्रेच है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ तक, वो लगभग 80 किलोमीटर का है, लेकिन जो पहला स्ट्रेच है वो 17 किलोमीटर का है। और लोगों के लिए ये 21 तारीख से खुल जाएगी। इसका मतलब ये है कि लोगों के लिए ये जो है, और ये एक मॉडल ट्रेन है, क्योंकि प्रधानमंत्री का मानना है कि हिंदुस्तान का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो जो हम वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में जो देखते हैं, उसकी बराबरी हिंदुस्तान के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को करना चाहिए। और उसी के लिए हम देख रहे हैं कि ये जितनी भी सुविधाएं हैं ये सारी की सारी सुविधाएं ये जो हिंदुस्तान की पहली रैपिड एक्स मेट्रो जो ट्रेन है उसके अंदर अब दी गई है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मजबूत होना भी चाहिए ताकि जो लोग निजी वाहन लेकर हमेशा जाते हैं उस पर थोड़ा बोझ कम हो। और ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उसी की बानगी है, जहां आपसे थोड़ी देर के पहले यूपी को रैपिड रेल की सौगात दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दिल्ली को यूपी से, मेरठ से कनेक्ट करने की एक बेहतर जरिया और सस्ता, सुविस्ता और बहुत आरामदेह ये रैपिड रेल सेवा। और दूसरी तरफ उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है, जहां रैली स्थल पर पहुंच रहे हैं पीएम मोदी। ये उसके पहले रोड शो, ये जो गाड़ी आप देख पा रहे हैं इसको विशेष तौर पर तैयार किया गया पीएम नरेंद्र मोदी के लिए, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी है। धीरे धीरे रैली स्थल तक पहुंच रहे हैं, मंच तक, और दोनों तरफ हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी। बहुत जनसैलाब, बहुत भीड़ भारत के तरफ और भारत के नेतृत्व की तरफ, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ। बड़ी देश की पहली रीजनल रेल में आपका स्वागत है। ये भारत सरकार का सबसे बहुआयामी प्रोजेक्ट, इसका बहुत लंबे समय से इंतजार था। दिल्ली और मेरठ के बीच चलने वाली ये रैपिड रेल का पहला चरण पूरा हो चुका है और आप देख रहे हैं पहली झलक इस रैपिड रेल की। ये रैपिड रेल
जो पहला चरण है ये गाजियाबाद की दुहाई से साहिबाबाद तक चलेगी, लगभग 17 किलोमीटर का स्टेशन है। और आपको ये हम पहली झलक दिखा रहे हैं इस पूरे रैपिड रेल की। अंदर से आप देखिए इसे बिल्कुल एक लग्जरी ट्रेन की तरह तैयार किया गया है। रैपिड रेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्पीड में इसका कोई तोड़ नहीं रहने वाला है। कहा जा रहा है लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये रैपिड रेल स्पीड भरेगी, रफ्तार भरेगी। सीटों की हम बात करें तो सीट बेहद शानदार तरीके से बनाई गई हैं। जैसी सीटें आपको राजधानी ट्रेन में मिलती है वैसी सीटें यहां पर बनाई गई हैं। और ये अभी पहला चरण है, मतलब गाजियाबाद के दुहाई डिपो से लेकर साहिबाबाद स्टेशन तक कुल 5 स्टेशन हैं, इनके बीच में ही ये ट्रेन अभी चलाई जा रही है। यही इसका पहला चरण था, लेकिन आने वाले वक्त में जो पूरी दूरी है वो दिल्ली और मेरठ के बीच की है, लगभग 86 किलोमीटर बीच की दूरी होगी, जिसे जोड़ने की ये जो पूरा ट्रैक है उसे जोड़ा जाएगा, तैयार किया जाएगा। और क्या क्या फायदा होगा आप ये समझिए कि अभी ये 5 स्टेशन पर चल रही है और सिर्फ 12 मिनट में ये 5 स्टेशन ये ट्रेन कवर कर लेगी। मतलब वो लोग जो मेरठ में रहते हैं, दिल्ली से आसानी से कनेक्ट होना चाहते हैं, दिल्ली में व्यापार करना चाहते हैं, नोएडा पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए अब रास्ता बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रेन की स्पीड होगी लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 अक्टूबर को खुद प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे, इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको हम इसकी झलक दिखा रहे हैं। देखिए इस तरह से एक राजधानी ट्रेन होती है, कोई भी लग्जरी ट्रेन होती है, उस तरह से बनाया गया है। मेट्रो से भी इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, हालांकि मेट्रो में इस तरह की सीटें नहीं होती, यहाँ पर सामान रखने की भी जगह दी गई है, सीटें बेहद कंफर्टेबल हैं। आप देखिए जो सीटें हैं उन्हें इस तरह से आगे पीछे अपने कंफर्ट के हिसाब से किया जा सकता है। बहुत सारी सुविधाएं हैं, खोया पाया केंद्र, अगर इस ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं और आपका कोई सामान खो जाता है तो स्टेशन पर खोया पाया केंद्र बनाया गया है।